हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट क्लास में डाइहाइड्रोजन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखे थे। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन से रिलेटेड, वह है ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट। ये ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन होते क्या है? डाइहाइड्रोजन के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम का कॉम्बिनेशन है या डाइहाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन एटम है तो उसका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, और एक सेल है जिसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से इसके लिए हुआ, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है। और जब इसी H2 को हम लोग दिखाते हैं तो ऐसे करके दिखा देते हैं, H2 को आप दिखाओगे तो ऐसे करके दिखा दोगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह आ जाते हैं, 1s 1s ऐसा करके दिखाते हैं। तो एक जो डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वह दो हाइड्रोजन एटम्स से मिलके बना है और प्रत्येक हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन है ऐसा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन का मोशन तो कई प्रकार का होता है, एक तो अपने एक्सिस पे घूमता है तो स्पिन मोशन, न्यूक्लियस के चारों तरफ घुमा ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट में घुमा प्लैनर मोशन, ऐसे तो अलग अलग प्रकार का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ठीक इलेक्ट्रॉन के जैसा ही इस न्यूक्लियस का भी मोशन होता है। न्यूक्लियस का मोशन मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन, जो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं। तो प्रत्येक एटम के न्यूक्लियस का अपना अलग अलग न्यूक्लियर स्पिन होता है, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर के माध्यम से भी समझ सकते हो। अब जैसे मान लो कि H2 मॉलिक्यूल है और इसमें ऐसे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों के न्यूक्लियस हुए, फिर एक H2 मॉलिक्यूल और लो, इसमें भी दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों को न्यूक्लियस हुए। अब हो रहा है कि H2 मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, यदि इन दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का जो स्पिन हो वह सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल स्पिन, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, बस स्पिन जो है वहां से क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो इफ द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम्स इन H2 मॉलिक्यूल हैव सेम स्पिन, दैट इज पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। तो ऐसे हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन। याद रखना है कि H2 मॉलिक्यूल जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का मोशन सेम हो, स्पिन मोशन नहीं, उसको स्पिन बोलो, सेम डायरेक्शन में स्पिन हो। स्पिन मतलब ऐसे एक एक्सिस है तो अपने ही एक्सिस पे घूमते रहना, कहलाता है इसका स्पिन मोशन। तो जैसे मान लो कि हम बताएं ना, स्पिन के लिए एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है 1/2, तो इसके लिए भी वैल्यू 1/2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्लॉकवाइज दिखा रहे हो, +1/2 +1/2, तो ओवरऑल जो न्यूक्लियर स्पिन यहाँ से निकालोगे, ओवरऑल न्यूक्लियर स्पिन दोनों को जोड़ दोगे, +1/2 फिर +1/2, तो यह आ जाएगा 1। तो ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए जो न्यूक्लियर स्पिन हुआ वह कितना हुआ, 1 हुआ। उसी प्रकार से सेकेंड केस देखो कि दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों के न्यूक्लियाई है, तो यदि दोनों का स्पिन अपोजिट हो, एक ऐसे क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करेगा, या ई एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ई क्लॉकवाइज करेगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं,
यदि दोनों के न्यूक्लियस का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसको हम लोग एंटी पैरेलल स्पिन भी बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल स्पिन, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन एंटी पैरेलल स्पिन कहलाएगा। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं पारा हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पारा हाइड्रोजन बोलते हैं। और जब इसमें न्यूक्लियर स्पिन निकालोगे तो जैसे एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसके लिए वैल्यू लो प्लस वन बाई टू, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से जब ओवरऑल न्यूक्लियर स्पिन की आप बात करोगे तो ये प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, तो यह आ जाना है जीरो। तो एग्जाम में जो है ना ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन में अंतर पूछता है, ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन में जो है अंतर पूछता है। तो अंतर पूछेगा तो हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं अंतर, पहला लिख सकते हो कि इन ऑर्थो हाइड्रोजन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम स्पिन इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज दे हैव पैरेलल स्पिन। इन पारा हाइड्रोजन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम हैव अपोजिट स्पिन, मीन्स एंटी पैरेलल स्पिन। द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर या न्यूक्लियर स्पिन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू वन, वाइल पारा हाइड्रोजन इट्स इक्वल टू जीरो। अब बोल रहा है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वह पारा हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, कि पारा हाइड्रोजन हैज अबाउट 50% ग्रेटर थर्मल कंडक्टिविटी, 50% ग्रेटर थर्मल कंडक्टिविटी देन ऑर्थो हाइड्रोजन। पारा हाइड्रोजन का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वह ऑर्थो हाइड्रोजन के तुलना में लगभग 50% ज़्यादा होता है। उसके बाद जीरो केल्विन टेम्परेचर पर, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर पारा हाइड्रोजन ही एग्जिस्ट करता है जो कि अस्टेबल फॉर्म है। ऐसे तो ऐसे करके तीन चार पॉइंट तो हो ही गए। एक पॉइंट यहाँ था कि न्यूक्लियर स्पिन सेम होगा, यहाँ अपोजिट होगा, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर वन, वहाँ जीरो। फिर पारा हाइड्रोजन का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा, इसका कम। और फिर पारा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल वाइल ऑर्थो हाइड्रोजन इज लेस स्टेबल। तो जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है वह जनरली दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑर्थो में भी और पारा में भी, लेकिन चूंकि पारा ज़्यादा स्टेबल है तो वह पारा हाइड्रोजन में जो है ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ ऑर्थो पारा, इसको एकदम ध्यान में रखोगे कि ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, तो अब हाइड्रोजन का जो एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नेचर, वह है हाइड्राइड बनाने का। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स क्या है? हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स। मतलब दो टाइप के एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वह बाइनरी कंपाउंड कहलाता है। इसमें से दो टाइप के एलिमेंट में एक एलिमेंट कौन होगा? हाइड्रोजन होगा, ये फिक्स है। तो हाइड्रोजन का ही किसी एक दूसरे एलिमेंट के साथ जो कम्बिनेशन होता है वही कहलाता है इसके लिए हाइड्राइड। तीन प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं, एक आयनिक हाइड्राइड जिसको हम लोग सेलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं, आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स।
दूसरा होता है कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, कोवेलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और एक लास्ट है इसमें मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, मेटेलिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो ये तीन प्रकार के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वह बोर्ड का एग्जाम हो चाहे फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, हाइड्राइड से क्वेश्चन आता है, 100% होता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे। तो हाइड्राइड समझ गए ना, हाइड्रोजन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कम्बिनेशन है वो हाइड्राइड होगा। तीन प्रकार के, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक या सेलाइन, मॉलिक्यूलर और इंटरस्टिशियल। एक एक करके सबको डील करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे आयनिक हाइड्राइड्स को, आयनिक हाइड्राइड्स। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ एलिमेंट्स विच हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। देन हाइड्रोजन। किसमें हाइड्रोजन कंबाइन करेगा? एक वैसे एलिमेंट से जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, या यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, मैंने बेसिकली जानो मेटल्स के साथ। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसी का तो मेटल्स का है। तो हाइड्रोजन का मेटल के साथ जो कम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड। तो द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल्स, या वैसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन के तुलना में इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो, तो उसको बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड्स। जैसे पोटासियम का आप हाइड्रोजन से कम्बिनेशन करो 673 केल्विन पे तो पोटासियम हाइड्राइड, कैल्शियम का हाइड्रोजन से कम्बिनेशन करो 1073 केल्विन पे तो कैल्शियम हाइड्राइड। और ये हाइड्राइड बनते कैसे हैं? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, बड़ा सिंपल सा है। देखो या 2K, तो पोटासियम के एटॉमिक नंबर 19, 2881, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों पोटासियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, माने ओवरऑल दो इलेक्ट्रॉन तो कन्वर्ट हो जाएंगे पोटासियम आयन में और ये दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यही दो इलेक्ट्रॉन्स अब गेन हो जाएंगे H2 मॉलिक्यूल के द्वारा, तो ये बन जाएगा हाइड्राइड आयन। अभी K प्लस और H माइनस मिल करके बन गया KH पोटासियम हाइड्राइड। तो ये जो मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं ये बनते कैसे हैं? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। मेटल्स जो होते हैं, खास करके जो यहाँ मेटल यूज हो रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, वे मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मेटल केटायन बनाएंगे और वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा गेन होकर के हाइड्राइड आयन बनेगा, और या मेटल केटायन या और हाइड्राइड आयन आपस में कंबाइन करके मेटल हाइड्राइड बनाएंगे। या डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पोटासियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया हाइड्रोजन को, तो पोटासियम बदल गया पोटासियम आयन में और हाइड्रोजन बदल गया हाइड्राइड आयन में, और फिर ये मिल करके जो है बना दिया हाइड्राइड जो बनना था। तो मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का कम्बिनेशन आयनिक हाइड्राइड कहलाया, और बनता कैसे है? तो डायरेक्ट कम्बिनेशन से, इसमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। उसके बाद फीचर्स क्या क्या हैं आयनिक हाइड्राइड के,
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला कलर की बात करें तो बोर्डा ये जनरली वाइट या ग्रे कलर के होते हैं, मतलब कंप्लीट वाइट नहीं, ग्रे टाइप का कलर आता है उनमें। अब चूंकि यहां हम लोग देखें कि जो मेटल के हाइड्राइड्स हैं जैसे के एच ही है, तो इसमें के प्लस केटायन है, एच माइनस एनायन है, और केटायन एनायन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सॉल्ट कहलाता है। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि मेटल हाइड्राइड जो है सॉल्ट के जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन सारे नहीं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड हैं जैसे बेरेलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं और वो भी पॉलीमराइज कर जाते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में। मतलब बहुत सारे BH2 के मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़े रहते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे, पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं। तो अल्कली मेटल के जो हाइड्राइड है, ग्रुप 1 मेटल के हाइड्राइड, या फिर ग्रुप 2 में जाओगे तो मैग्नीशियम के बाद का जो मेटल का हाइड्राइड है, कैल्शियम का है, उसके बाद स्ट्रॉन्टियम का है, बेरियम का है, तो वे सभी हाइड्राइड्स आयनिक नेचर के हैं तो सॉल्ट के जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन या जो बेरेलियम और मैग्नीशियम का हाइड्राइड है या कोवेलेंट हाइड्राइड है जो कि पॉलीमेरिक चेन के रूप में होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे हाइड्राइड के मॉलिक्यूल एक के बाद आपस में जुड़ते जाते हैं। उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इनका हाई होगा क्योंकि आयनिक नेचर के हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट होने का मतलब हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट वगैरह तो ज़्यादा ही होना है, तो इन हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल आयन एंड हाइड्राइड आयन। उसके बाद ये हाइड्राइड्स फ्यूज स्टेट में, मतलब मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी उनका किया जाता है। तो दे कंडक्ट, मतलब आयनिक हाइड्राइड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड स्टेट लिबरेटिंग हाइड्रोजन एट एनोड। ये जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं फ्यूज्ड स्टेट माने मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और एनोड पर जो है क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। जैसे लिथियम हाइड्राइड की बात करें तो सबसे पहले जब इसको आप हीट करोगे 973 केल्विन तक तो यह टूटेगा, लिथियम आयन और हाइड्राइड आयन, दिस इज फ्यूज्ड स्टेट। और इस फ्यूज्ड स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि ये मोबाइल आयन्स हैं, फ्री आयन्स हैं, मोबाइल आयन्स माने मूवेबल आयन्स, मतलब फ्री आयन, जो आयन मूव कर सके। अब यदि ये आयन्स फ्री हैं तो जब इस सब्सटेंस से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो इसी आयन के थ्रू करंट आगे बढ़ेगा और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हो जाएंगे। तो फ्यूज्ड स्टेट में चूंकि आयन्स हैं और यही आयन्स चार्ज कैरियर का काम करेंगे, मतलब इन्हीं के थ्रू करंट आगे बढ़ेगा, इसीलिए जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वे फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे आप, जैसे यह लिथियम प्लस और एच माइनस बना ना, इस पूरे मिक्सचर से आप पास करवाओगे इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ बोल रहा है कि लिथियम सॉलिड के रूप में जाकर के डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगा जो कि लिबरेट होगा एनोड पर। ऐसा तो सिंपल सा रिएक्शन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, तो या जो हाइड्राइड आयन बना है या इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे ऐसे यदि दो हाइड्रोजन हैं तो ये आपस में कंबाइन करके फिर H2 बन जाने हैं, और यही इलेक्ट्रॉन को फिर कैथोड पे जो है लिथियम आयन गेन कर लेगा एट कैथोड, जहाँ रिडक्शन होता है,
तो ये जो लिथियम आयन है Li प्लस व इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके बदल जाएगा Li में ऐसा। तो समझ गए बात को कि फ्यूज्ड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों होते हैं। तो वही आयनिक कंपाउंड वाला एक्सप्लेनेशन है कि जैसे आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर थे मोल्टेन स्टेट में, वैसे ही भी है। उसके बाद हायर डेंसिटीज, हायर डेंसिटीज देन प्योर मेटल्स, प्योर मेटल्स के तुलना में मेटल हाइड्राइड का डेंसिटी ज़्यादा होगा, होना ही है क्योंकि इसमें एक नया एलिमेंट जा करके वहाँ जुड़ गया है तो मास बढ़ जाना है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ PPI जो बताने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ मेटल। मेटल केटायन का साइज बढ़ने से मेटल हाइड्राइड का स्टेबिलिटी घटेगा, मतलब लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड, उसके बाद रिबीडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड, ऑल दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप वन मेटल। अब हम लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो है डाउन जाने से साइज बढ़ता है, लिथियम आयन से बड़ा सोडियम आयन, उससे बड़ा पोटासियम, रिबीडियम, सीजियम। और यहाँ क्या लिखे हैं कि जैसे जैसे मेटल केटायन का साइज बढ़ेगा तो हाइड्राइड का स्टेबिलिटी घटेगा, तो इस तरह से स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, मतलब लिथियम हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल व्हाइल सीजियम हाइड्राइड इज लीस्ट स्टेबल। एक्सप्लेनेशन वही दे सकते हो साइज से रिलेटेड कि चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो फोर्स है कूलम्बिक फोर्स, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर ऐसे। तो Q1 Q2 पे दोनों पे चार्ज हो गया, तो चार्ज तो सेम है, सब जगह H पर एकक माइनस है और सब जगह मेटल पर एकक प्लस है, तो चार्ज सेम है। तो अब यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर क्या होता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो जितना बड़ा आयन होगा तो बड़ा आयन रहेगा तो डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जब भी आर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एफ कम होगा। मतलब बड़ा आयन है तो उस केस में उसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वह कमज़ोर होगा, और कमज़ोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाएगा तो इसका मतलब कि वह स्टेबल क्या होगा, वहाँ से कम होगा। तो समझ गए इस स्टेबिलिटी वाले बात को कि मेटल केटायन का साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो दोनों आयन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कि यदि डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर कूलम्बिक फोर्स का अट्रैक्शन जो है, मतलब मैग्नीट्यूड, वह घटेगा, और जब कम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा भाई तो सिंपल सी बात है कि कम होगा उसका स्टेबिलिटी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी वाला फैक्टर। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उसको भी देखते हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि कुछ आयनिक हाइड्राइड्स जो हैं, जो ज़्यादा आयनिक नेचर के हैं, वे वाटर के एयर के साथ कंबाइन करके जो है मेटल ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एयर के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे रिबीडियम हाइड्राइड है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो यह रिबीडियम ऑक्साइड बनाता है प्लस H2O देता है। साथ ही साथ बोल रहा है कि यह हाइड्राइड वाटर से हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड है, वाटर से कंबाइन करवाओगे तो NaOH प्लस H2 बन जाएगा। अब चूंकि हाइड्राइड का
जो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर में घोलते हैं तो घोलने के बाद क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, तो बेसिक नेचर का होगा इनका एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद कुछ प्रोटोनिक सॉल्वेंट से भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, जैसे यह मिथेनॉल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ लिथियम पे प्लस, एच पे माइनस, तो ये एच माइनस सॉरी एच प्लस मिल करके बन जाना है एच टू, और फिर इस सी एस थ्री ओ माइनस के साथ एल आई प्लस जुड़ जाएगा। तो वैसे सब्सटेंस जिसमें एसिडिक प्रोटोन है मतलब एच पे प्लस आ सकता है, वह एच प्लस यहाँ से निकल जाएगा और इसी एच प्लस को एच माइनस ले लेगा। तो एच प्लस दे रहा है तो ये समझो एसिड, और ये एच माइनस इसको ले रहा है तो ये बेस। याद रखोगे एच प्लस बतलाता है एसिडिक नेचर को, लेकिन वही एच माइनस है तो ये बतलाएगा बेसिक नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे एच प्लस क्या बतलाता है एसिडिक नेचर, और वही एच पर यदि माइनस हो तो क्या बताएगा बेसिक नेचर को बतलाएगा। उसके साथ बोल रहा है कि ये सभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं, दे ऑल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप सोडियम हाइड्राइड से कंबाइन करवाओगे तो यह बदल जाता है सोडियम फॉर्मेट में, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। उसी प्रकार से यदि फेरिक या फेरोसो फेरिक ऑक्साइड है या सोडियम हाइड्राइड से कंबाइन करता है तो खुद मेटल में रिड्यूस हो जाता है और NaOH का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे हाइड्राइड से तो वह अल्कोहल में बदल जाता है। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिथियम हाइड्राइड नहीं, आगे पढ़ोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जानो कि हाइड्राइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, वे दूसरे को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जान रहे हो बात को, दूसरे को वे क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो मैकेनिज्म को यदि देखोगे तो ऐसा है ना, है RC(OOH) ठीक, या लिथियम हाइड्राइड है तो लिथियम हाइड्राइड में लिथियम प्लस और एच माइनस, तो क्या हो जाएगा ई बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो कार्बन पे आ जाना है प्लस, और जब कार्बन पे प्लस आएगा तो एच माइनस यहाँ अटैक कर देगा, मतलब यहाँ एच माइनस समझो एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो ये हो जाएगा RC, यहाँ पर ये हो जाना है ओ माइनस, ये हो जाएगा OH और यहाँ आ करके जुड़ेगा एच, बगल में यहाँ हो गया Li+। एक H जो है इसमें और जुड़ना है तो एक H और जुड़ने के लिए अब इसमें कई तरीके हैं, और वे तरीके क्या हैं आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के रखे हो तो यदि यह एसिड है तो यह थोड़ा बहुत खुद जो है सेल्फ आयोनाइज्ड होगा, खुद जो है थोड़ा बहुत क्या होगा सेल्फ आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, और जब सेल्फ आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो बहुत सारे H प्लस वगैरह भी वहाँ से हो सकते हैं ऐसे। तो यदि और H प्लस हैं तो एक तो हो सकता है कि या वो माइनस H प्लस से कंबाइन कर जाए, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि एक हाइड्राइड और लिया जाए, लिथियम हाइड्राइड एक बारी और लिया जाए लिथियम प्लस एच माइनस, तो यहाँ से भी आप ऐसा दिखा सकते हो कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे दो तोड़ करके, तो फिर कार्बन पे प्लस आएगा तो एच माइनस फिर यहाँ अटैक कर देगा, तो इस बार ये हो जाना है RCH नीचे भी H OH और फिर यह Li+ यहीं मिल जाएगा, तो एक Li यहाँ एक यहाँ और एक ऑक्सीजन, मतलब ओवरऑल बाहर हो जाएगा Li2O ऐसा। तो बेसिकली हाइड्राइड ट्रांसफ़र है, एच माइनस अटैक करेगा कार्बन पे, जिस पे बेसिकली आता कौन सा चार्ज है माइनस चार्ज आता है। कुछ स्पेशल हाइड्राइड्स हैं जो कंबाइन कर जाते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड से और अगेन एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं,
और वे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, इसको आप कंबाइन करवाते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड का डाइमर से, तो यह बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस 6 LiCl, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्राइड है, इसका रिएक्शन डाइबोरेन से करवाए तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बन गया। उसी प्रकार से लिथियम हाइड्राइड है, इसका रिएक्शन डाइबोरेन से करवाए तो फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड बन गया। ऐसे तो ये हैं सिंपल हाइड्राइड्स, दीज आर सिंपल हाइड्राइड्स, और यही सिंपल हाइड्राइड्स एक ऑलरेडी जो पहले से हाइड्राइड है उससे कंबाइन किया तो ये सभी जो बने यहाँ, दीज आर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। और ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होते हैं, ये सभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिनका फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। तो यह टोटल हम लोग पढ़े इस लेक्चर में आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में, जिसमें इम्पॉर्टेंट हुआ आयनिक हाइड्राइड का स्टेबिलिटी और इसके कुछ रिएक्शन जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट के काम कर रहे हैं, और उसमें से भी यह डायबोरेन का रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है डायबोरेन ऐसे सोडियम हाइड्राइड से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, या लिथियम हाइड्राइड से कंबाइन करा तो क्या बना, ऐसे करके। और इन रिएजेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस तरह से एक कैटेगरी का जो हाइड्राइड था आयनिक समाप्त हुआ, इसके बाद बच जाता है कौन सा, कोवेलेंट और मेटेलिक। तो बाकी ये दोनों हाइड्राइड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।